हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। मैं धीरेन। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे साधारण अभ्यास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले RRB NTPC ग्रुप डी SSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये साधारण अभ्यास का पार्ट टू है। आप पार्ट वन जरूर देखें, जिससे आपको पार्ट टू में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, उस पार्ट में मैंने बेसिक से लेकर ट्रिक तक बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को समझाया है। अगर आप उस पार्ट को देखते हैं तो आपको पार्ट टू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर बताइए। दोस्तों, आपको इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर में कई बार सेट पेपर देखने को मिल जाएगा। इस सवाल में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वो कभी भी आपसे कहता है ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो, तो आपको हमेशा एक ही चीज़ बस दिमाग में लेके चलनी है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ ट्रिक से। पहले आपको बताता हूँ उसका बेसिक, जो कि 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। मुझे मूलधन तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, जब भी मूलधन की बात हो और बटे में कभी भी सवाल आए तो मैं सवाल को हमेशा हर मान के करता हूँ, हर को उठाऊंगा और उसको मूलधन बनाऊंगा। जैसे कि मैंने पी को उठाया और इसको मैंने बना दिया 900, मतलब कि हर को मैंने मूलधन बनाया और हमेशा सवाल को 100 माने करेंगे तो वो इजी पड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो मूलधन का 4/9 कैंसिल करते हैं, ये हो गया 100, ये आ जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 400, मूलधन हो गया 900 और साधारण ब्याज 400। आगे उसने कहा ब्याज की दर, ठीक है, और समय, इनके जो संख्यात्मक मान है वो दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर, तो मैंने x मान लिए। आगे हम सिंपल सा फॉर्म लगाते हैं और दर निकाल के देखते हैं। देखिए, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही कितना है 400, पी कितना है 900। ठीक है, आर का मान x और टी का मान x बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। दोस्तों, ये चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नीचे, 400/9 x का x में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3। हम निकाल रहे हैं दर, दर आएगी परसेंट में, तो x का मान हो जाएगा 6/2/3। ठीक है दोस्तों, ये सवाल तो हो गया बहुत लंबा, लेकिन अब मैं इसको आपको बताता हूँ बेसिक ट्रिक से, एक ट्रिक बताता हूँ जो कि आपको बेसिक से ईजी पड़ेगी। ये देखिए, जब भी वो कहे साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, आप इसको मुझे के चलिए ए बटे बीवा भाग, हमेशा आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ए बटे बीवा भाग, ए बटे बी भाग। कब, जब वो बोले ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट ए अपॉन बी इंटू 10। बस इस ए जो आपको मान जो जो मैंने आपको बताया कि आपको ए बटे बी मानना है, इसको इसको उठा के सीधा सा अंडर रूट में रखना है। ये हो गया 4/9 इंटू 10, बाहर निकालेंगे रूट से 2/3 इंटू 10, ये आएगा दोस्तों कितना 20/3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी काटने पर, 6/2/3%। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप उस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, तो वर्षों की संख्या बताइए। दोस्तों, सेम वही सवाल है जो सवाल नंबर 7 था। मैं उस सवाल को बेसिक से आपको समझा चुका हूँ और अब मैं आपको इसको ट्रिक से ही बताऊंगा। ठीक है, आप इसको बेसिक से लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें भी वर्षों की संख्या और ब्याज की दर क्या बराबर है, बस इसके अंदर फर्क ये हो गया कि यहाँ पे उसने वर्ष पूछ लिए। ठीक है, फिर हम वही फॉर्म लगाएंगे, इसको हम मानेंगे क्या ए अपॉन बी भाग। ठीक है, ए अपॉन बी भाग लगाया फॉर्मूला, टी बराबर अंडर रूट ए अपॉन बी इंटू 10, सीधा रखते हैं दोस्तों, अंडर रूट 9/25 इंटू 10, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसको, 3/5 इंटू 10 कैंसिल करेंगे, तो 3 × 2 = 6। दोस्तों, इसका आंसर आ गया 6 वर्ष, इसका आंसर होगा ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 40% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
उसने कहा कितने समय में, सीधा सीधा उसने पूछा है आपसे टाइम कितने समय में। कोई धन 5 की दर से, आर कितना 5%, अपने से 40% हो जाएगा, अपने से 40%। मतलब मैं मूलधन मान लेता हूँ 100, मैंने आपको बताया कि मूलधन आप 100 मानिए जो आपको ना पता हो तो, ठीक है, अपने से हो जाएगा 40%, मतलब 40% ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिश्रधन, मूलधन मैंने 100 माना, उसने कहा अपने से 40% अधिक हो जाएगा, तो 100 से कितना हो जाएगा 140, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सिखा चुका हूँ ऐसा ही कैसे निकलेगा, अगर मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे ही आकर आपके 40, सिंपल सा फॉर्मूला जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ऐसा ही कितना है दोस्तों 40, पी कितना 100, आर कितना 5, टी निकालना है बाय 100, 100 से 100 कैंसिल 5, तो टी का मान आ गया दोस्तों 8 वर्ष। अब दोस्तों मैं इसको ट्रिक्स बताता हूँ आपको, मेरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा ट्रिक है, देखिए कुछ नहीं करना है बस सिंपल सा, अगर आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से, और इस तरह का सवाल एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, कई बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों करना क्या है, आर इंटू टी बराबर बड़ा हुआ प्रतिशत, आर इंटू टी बराबर बड़ा हुआ प्रतिशत, आर इंटू टी बराबर बड़ा हुआ प्रतिशत। आर कितना दिया है 5%, ठीक है 5%, और टी कितना है, टी हमको निकालना है, बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना बढ़ रहा है 40% बढ़ रहा है, तो हम 40% लिख देंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है 5 8 40, ठीक है। तो टी बराबर कितना आ गया 8 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा कितने समय में कोई दिन 5% की दर से साधारण ब्याज से अपने से 40% अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आर इंटू टी बराबर बड़ा हुआ प्रतिशत, आर कितना है 5%, टी निकालना है, और बड़ा कितना 40%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 5 से 40 को काटेंगे 8 बार, टी बराबर कितना आ गया आपका 8 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, जब सवाल को मैं सॉल्व करूँगा आपको समझेंगे क्यों है इम्पोर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है सवाल, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है, मूलधन बताओ। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों है आप खुद समझ जाएंगे, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, जहाँ आंकड़े अपर्याप्त आपको नहीं रह जाए उस सवाल को आप इम्पोर्टेंट मानिएगा हमेशा, ठीक है दोस्तों। देखो मैं सवाल सोल्व करता हूँ, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से, दर कितनी रखिए 8, 6 वर्ष का समय कितना 6 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन से आधा है, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से आधा है, चलो मैं मूलधन को 100 मान लूंगा यार, तो साधारण ब्याज कितना मानूंगा मैं, आधा मानूंगा, ठीक है। इस सवाल को कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक्स मान के कीजिए, ठीक है मैं एक्स मान करता हूँ, आ रहा है आपका 8%, टी दे रखा है 6, मूलधन में मान लेता हूँ 2x, और SI को मैं मानता हूँ कितना, वो कह रहा ना साधारण ब्याज मूलधन से आधा है, तो साधारण ब्याज को मूलधन से आधा कर देता हूँ, लो कर दिया आधा। अब मुझे आप ये बताइए, अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, SI बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, रख के देखिए SI 50, पी 100, आर 8, टी 6 वर्ष। दोस्तों आप क्या निकालेंगे इसमें, सब तो कट रहा है, क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए SI रख दो आप x, पी रख दो 2x, आर रख दो 8, और टी रख दो 6, क्या निकालेंगे, x x को कैंसिल करके क्या निकालेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसका आंसर है आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, पिछले पेपरों में कई बार देखे नहीं हुआ, चाहे वो RRB हो, चाहे SSC हो या बैंक हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, मैं आपको समझा चुका हूँ पार्ट 1 में भी और अभी भी बार बार कह रहा हूँ,
कि जब भी हर दिखाई दे, सॉरी, जब भी बटे में दिखाई दे, दो बटे ना, तो आप हर को उठाएंगे, तो हर को मैं हम मानते हैं मूलधन, तो पी कितना आ गया आपका 900, हमेशा 100 मान के, ठीक है, तो पी आ गया आपका 900। क्या कह रहा वो, जब पी आ गया, साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, साधारण ब्याज जो है ऐसा ही जो है मूलधन का 2/9 है, इसको कैंसिल करेंगे 100, तो ऐसा ही कितना आ गया आपके पास 200, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही आ गया आपके पास 200। आगे देखते हैं, यदि वर्षों की संख्या, लो जी वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से दुगनी हो, वर्षों की संख्या दर से कितनी हो, दुगनी हो, ठीक है, वर्षों की संख्या दर से दुगनी हो तो धन कितने समय दिया गया, वही सिंपल सा एक ही फॉर्मूला में लगाता रहा हूँ, वही फिर लगाऊंगा, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, ऐसा ही कितना है 200, पी कितना है 900, आर एक्स, टी के वैल्यू 2x/100, 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 1 कट गया आपका 100 बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 9 नीचे पहुंच जाएगा, 100/9 वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 10/3। उसने पूछा क्या है, कितने समय के लिए, समय कहाँ है हमारा, ये रहा, तो हम समय को उठा के रख देंगे, समय कहता है 2x, तो 2x में रखेंगे इसे हम, 2/10/3 ये हो जाएगा आपका 20/3, आंसर आएगा आपका 6 सही 2/3 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दोस्तों सवाल नंबर 12 देखते हैं, ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिए, 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुकाया, घड़ी का मूल्य क्या है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, और ये बेसिक तरीके से ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ऐसे सवालों की ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको उसको बेसिक करता हूँ। ए ने बी को 15,000 उधार दिए, मूलधन कितना है 15,000 और दर कितनी है 14%, कितने समय के लिए 6 साल के लिए, ठीक है। अब हम चल ये चेक करेंगे कि 15,000 का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, तो देखिए ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ऐसा ही कितना है वो हमको निकालना है, ऐसा ही बराबर पी कितना है 15,000, आर कितना है 14 और टी कितना है 6/100, देखिए 0 से 0 0 से 0 14 6 84, ठीक है, 1 0 इसका इसमें गुणा करते हैं 0 15 6 15 6 60 हाँ ये आ गया, ये दोस्तों आया ऐसा ही, तो ये ऐसा ही तो लौटाना ही हमको 12,600 रुपये, साथ में ब्याज भी तो लौटाएंगे, तो ब्याज होगा आपका 15,000, तो टोटल पैसा हम लौटाएंगे, ये मिसधन ये हमको लौटाना है, लौटाना है ये तो हमको लौटाना है, तो उसने क्या किया, उसको उसने 25,000 रुपये दिए और एक घड़ी दिया, अगर मैं इसमें से 25,000 घटा दूँ, अगर मैं इस मिसधन में से 25,000 घटा दूँ तो घड़ी का रेट आएगा, देखिए 0 0 6 2, तो ये आ गया आपका घड़ी का रेट, ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की क्लास यही एंड होती है, ठीक है, अब हम देखते हैं अगले पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस के बचे हुए हैं, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे जिससे आपको ऐसा ही पूरा कंप्लीट हो जाए। दोस्तों आज की क्लास यही एंड होती है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।